बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ। मेरी ऐसी बहुत सी दोस्तें हैं जिन्होंने फरमाइश की है कि उनको कुछ इस तरह की रेमेडी बताई जाए कि उनकी आई लैशेज़ जो हैं वो ग्रोथ में आ जाएँ, यानी उनकी आई लैशेज़ जो हैं वो ब्राय नाम हैं तो उनको वो लंबा, घना और खूबसूरत बनाना चाहती हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से अपनी आई लैशेज को खूबसूरत, घना और लंबा बना सकती हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम अपनी वीडियो की तरफ जल्दी से आ जाएं। तो जिन्होंने ऐसे कर लिया है मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। आइए आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कटोरी ले लीजिए और इस कटोरी में आपने ऐड करनी है एलोवेरा जेल। दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक सी छोटी सी रेमेडी है और ये रेमेडी जो मैं रेडी करने लगी हूँ इसको आप बना के सेव भी कर सकते हैं और डेली इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इतनी सी एलोवेरा जेल ले लीजिए और इसके अंदर अब आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो यूज़ करना है वो है कैस्ट्रल। कैस्ट्रल का यूज़ हम इसके अंदर करेंगे, ये आप देख लीजिए इतनी सी मिकदार में हमने इसका इस्तेमाल किया है। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी हम इसके अंदर, ये इतनी सी मिकदार में हमने जो ऑलिव ऑयल है उसको ऐड करना है अपनी कटोरी के अंदर। आप इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए कि एलोवेरा जेल के अंदर ये दोनों ऑयल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे दोनों ऑयल जो हैं एलोवेरा के अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आपने इसको अपनी आई लैशेज के ऊपर अप्लाई कुछ इस तरह से करना है कि आप मस्कारा ब्रश ले लीजिए और उसको वॉश कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद इसको अच्छे से उसके अंदर डिप कीजिए। डिप करके जैसे आप मस्कारा ऐड करती हैं इसी तरीके से आपने उसको अपनी आई लैशेज के ऊपर अप्लाई करना है। और अप्लिकेशन के इस अमल को आपने लगे ही रहने देना है, बल्कि आपने दिन में दो दफ़ा इसको अप्लाई करना है। और जब आप नाइट में सोएंगी तो फिर तो आपने ज़्यादा मिकदार में कोशिश करनी है, लगाएं अच्छे से भर के लगाएं। तो इंशाल्लाह ताला चंद ही दिन के इस्तेमाल से, इंशाल्लाह ताला रूटीन वाइज इस्तेमाल कीजिए और चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपकी जो पलकें हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, लंबी और घनी हो जाएंगी। और उम्मीद करती हूँ मेरी वो दोस्तें जिनको इंतज़ार था उन्होंने इस रेमेडी को नोट फरमा लिया होगा, और अगर नोट कर लिया है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स में, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। कल मिलूंगी अपने दोस्तों के साथ एक और यूनिक सी रेमेडी के साथ। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।